सो वेलकम गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप TDM CC कैसे कर सकते हो अपने मोन्टाजेस के लिए। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, अपने लाइट मोशन में अपने क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। फिर गाइस जो आपका फर्स्ट लेयर है उस पर टैप करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। फिर गाइस आपको इफेक्ट ऐड करने हैं, तो हमारा पहला इफेक्ट है एक्सपोजर एंड गामा। और गाइस अभी हम जितने भी इफेक्ट्स ऐड करेंगे वो हमारा फर्स्ट लेयर पर होगा। सो गाइस आपको क्या करना है, एक्सपोजर को कर देना है 0.57 के अराउंड और गामा को कर देना है 0.135। अब गाइस हमें ऐड करना है गॉसियन ब्लर। तो गाइस उसको ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, जो इसकी सेटिंग्स हैं इसको रख देना है अराउंड 1440 या फिर 1445, आप इतना रख सकते हैं अराउंड। फिर इसको रखने के बाद हमें ऐड करना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। फिर उसको इसकी सेटिंग हमें रख देनी है अराउंड, ब्राइटनेस की रख देनी है +9 और कॉन्ट्रास्ट की रख देनी है +19 या फिर 18, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा एक एक पॉइंट। फिर कैसे आपको ब्लेंडिंग में जाके लाइट ना फिर लीनियर डॉस कर देना है, तो जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा क्लिप कुछ ऐसा दिखेगा। फिर कैसे जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा हॉट कलर, तो जिससे हम अपने स्काई को थोड़ा ग्लो देंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं उसको, मैं सर्च कर लेता हूँ। फिर ऐड करने के बाद आपको सर जो सेटिंग है कुछ ऐसा रखना है, देख सकते हो गाइस। और जो आपका वो ग्रे कलर का बार है या फिर जो भी है उसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन करना है हल्का सा बस। फिर गाइस उसके बाद आपको टिंट जो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर गाइस देखिए हमारा ये हो चुका है स्काई ग्लो, थोड़ा सा रेड, मतलब आप जिस भी कलर का वो ग्लो देंगे ना हॉट कलर में आपका स्काई उस कलर का हो जाएगा। और गाइस हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है कलर ट्यून। तो गाइस इसकी सेटिंग में जैसे जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे वैसे देख के एकदम सेम कॉपी कर लीजिए। और वैसे भी अगर गाइस अगर आपको ये सेटिंग्स एकदम नहीं समझ में आ रही है कैसे कैसे क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके XML फाइल की लिंक दी हुई है, आप उसको अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस आपको नहीं पता कि XML फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी यूट्यूबर का देख सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया है। और वैसे भी गाइस मेरे को XML फाइल इंपोर्ट करना नहीं आता, क्योंकि गाइस अगर आता तो मैंने अभी तक इतने सारे प्रीसेट इंपोर्ट कर लिए होते, लेकिन गाइस मेरे को आता ही नहीं, मतलब होता ही नहीं मेरे से। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि मेरे से नहीं होता, इसलिए मैंने झंझट छोड़ दिया प्रीसेट का। और गाइस मैंने आपको XML फाइल की लिंक दे दी है। और गाइस जो डायरेक्ट एलाइट लिंक होता है ना मैं वो दे सकता था, पर गाइस उसके लिए मुझे प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा और जो मेरे बस का है नहीं। तो भाई आप XML फाइल से ही काम चलाओ या फिर ट्यूटोरियल देख के देखो मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर हमारा CC हो चुका है डन। और फिर गाइस आपको क्या करना, जो हमारा ये सेकेंड लेयर है ना उस पर शार्पन इफेक्ट ऐड करना है, तो आप उसको ऐड कर लेना। और उसको जो स्ट्रेंथ है ना आपको स्ट्रेंथ अराउंड रख देनी है 0.28। अगर आपको इतने पर अच्छा रिजल्ट मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर गाइस आप देख सकते हो हमारा CC एकदम रेडी और दिखने में एकदम अच्छा लग रहा है। और फिर गाइस मैं आपको इसकी पूरी सेटिंग एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कैसे कैसे रखा है। तो आप देख सकते हो कि एक्सपोजर एंड गामा ये सभी मतलब सेटिंग्स ऐसे ऐसे मैंने रखी है, आप देख लो आराम से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो या फिर जो करना है जैसे भी आप रख सकते हो। और गाइज ये रही हमारी जो रेड CC थी उसकी सेटिंग्स। और गाइज XML फाइल भी इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो अपने लाइट मोशन में। और गाइज जो हमारी दोनों CC थी ना उसकी जो सेकंड लेयर है उसमें गाइज हमें सिर्फ शार्पन इफेक्ट ऐड करना है और उसकी स्ट्रेंथ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए, जिससे आपका ब्लरनेस थोड़ा कम हो जाएगा वीडियो में और आपका जो थोड़ा ये सब इमेज है ना और थोड़ा क्लियर दिखेगा। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसकी ब्लेंडिंग को कलर डॉज पे रखा है, क्योंकि गाइज ये जो ब्लरनेस होती है ना वो थोड़ा इसको कम कर देता है। गाइज आप लीनियर डॉज भी रख सकते हो अगर आपको उस पर अच्छा रिजल्ट मिले, तो मैंने फिलहाल के लिए कलर डॉज किया है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।